आज किसान आंदोलन अपने 100 दिन समाप्त कर चुका है। इन 100 दिनों में 255 मौतें हुई, एक दिन में दो से भी अधिक। आप में से किसी ने मोदी जी के मुंह से, किसी मंत्री के मुंह से कोई संवेदना का एक शब्द भी अगर सुना हो तो हम सबको स्मरण करा दीजिए, हमने नहीं सुना, किसानों ने नहीं सुना। उनका अपमान किया गया, ताने कसे गए, उनके आंसुओं तक की हंसी उड़ाई गई, लेकिन इतने किसान बारिश, ओले, सर्दी और अब गर्मी झेलते हुए वहां बैठे हैं, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर्स पे बैठे हैं, लेकिन सरकार के उस फोन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिस फोन का वादा प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया था। आज तक वो फोन नहीं गया। मीडिया पर क्या दबाव है ये तो अब हम बखूबी जान चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, कि जो मीडिया देख रहा है वह अब दिखा पाने की भी स्थिति में नहीं है। सबको मालूम है क्या हो रहा है, आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन खबरों से आंदोलन गायब है। बार बार किसान आंदोलन को बदनाम करने के प्रयास किए गए, वो आप सबने सुने, देखे, महसूस किए, तमाम षड्यंत्र रचे गए, भाजपा नेताओं की वो टिप्पणियां आप सबने सुनी, बार बार उनको दोहराना ठीक नहीं रहेगा। विमर्श के दायरे से कैसे किसानों को, उनके आंदोलन को निकाल बाहर किया जाए, उसके लिए तमाम षड्यंत्र रचे गए, हर हथकंडा अपनाया गया। उन हथकंडों के लिए सरकार जानी जाती है। मध्यम वर्ग का ध्यान व समर्थन किसान आंदोलन की तरफ नहीं जा पाता, जाहिर सी बात है, क्योंकि सरकार ने हमें और आपको व्यस्त रखने का तमाम इंतजाम कर रखा है। जब हम और आप अपनी ही उधेड़बुन में लगे रहेंगे तो हम किसी और की सुध कैसे लेंगे, यह बात सरकार बहुत अच्छी तरह समझती है। इसलिए आज अगर समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग, किसानों का वर्ग, अगर 100 दिन से आंदोलन कर रहा है तो हमें उसका समर्थन इसलिए भी करना चाहिए कि वो काम कर रहे हैं जो हम और आप जिस आपाधापी में जी रहे हैं हम नहीं कर पाते। अगर हम अपने घर की किश्तें भरने में संघर्ष कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी नौकरी ढूंढने के लिए या बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, LPG, गैस, प्याज, खाद्य तेल, तमाम कीमतें बढ़ रही हैं, उससे हम संघर्ष कर रहे हैं, तो एक वर्ग ऐसा है जो आपके और मेरे संघर्ष को सड़क पर लाया है। सिर्फ एक काम हमें करना है कि उस संघर्ष का सम्मान करें, उसका समर्थन कर पाए, तो इस देश पर और इस लोकतंत्र पर आप सबकी बहुत बड़ी कृपा होगी। आज सरकार की नीतियों के खिलाफ कई लोगों के मन में आक्रोश है, अलग अलग वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, महिला सुरक्षा को लेकर हम आंदोलित हैं, लेकिन नहीं कुछ कर पा रहे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा हम आपाधापी में लगे हुए हैं। तो कम से कम संवेदना है आपके मन में, हम सबके मन में पीड़ा भी है, हाँ अभाव है तो समय का है, तो किसी एक वर्ग ने वो समय निकाला है। सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही, वो हम सब देख रहे हैं, वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर हो, शाहजहांपुर हो, सब जगह एक वर्ग बैठा है, अडिग है, संघर्ष कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके खिलाफ क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कैसे उसका अपमान करने की चेष्टा की जा रही है, वो फिर भी वहीं डटा हुआ है। देश उनके साथ भले चुप है लेकिन खड़ा है। आज काला दिन किसानों ने आह्वान किया है, ये काला अध्याय है हमारे लोकतंत्र के इतिहास में। आंदोलन पहले भी बहुत हुए, हर सरकार में हुए, जब राजीव गांधी जी की सरकार थी बोट क्लब पर किसान जमा हो गए थे, लाखों किसान थे, इंदिरा जी की पुण्यतिथि में बहुत बड़ा कार्यक्रम यहीं होना था बोट क्लब पे, राजीव जी ने वो कार्यक्रम का स्थान बदला
किसानों को नहीं हटाया। सरकारें ऐसे चलती हैं। तो उम्मीद सरकार से तो नहीं है, उम्मीद आप सब से है, उम्मीद इस पूरे देश से इस किसान को है कि और कुछ करें या ना करें, अपना समर्थन इन किसानों को जरूर दें। भले आप बोलने में सक्षम नहीं हैं, सड़क पर आने में सक्षम नहीं हैं, एक साइलेंट एक मौन समर्थन भी अगर आप देंगे तो इस देश का बहुत बहुत भला होगा।